राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक जिला इकाई द्वारा कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपने वादे याद दिलाते हुए नियमित करने की मांगे की गई। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक का कहना है कि वह लंबे समय से एक ही पद पर सेवा दे रहे हैं और केवल 6,000 मासिक वेतन उन्हें दिया जा रहा है, जिसके कारण घर चलाना मुश्किल है और उन्हें किसी भी तरह की राहत सरकार द्वारा नहीं दी जा रही। आज जिला इकाई के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर नियमित करने और न्यूनतम वेतन 17,700 के साथ ही नवसृजिती ग्राम पंचायतों में नियुक्ति दिए जाने की मांग की गई है। मामला तो सर एक ही है, जो 15 वर्षों से चला आ रहा है। विद्यार्थी मित्र के रूप में पहले जीवन जी चुके हैं, पंचायत सहायक के रूप में जी रहे हैं और हम यही आज कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को और मुख्य सचिव साहब को ज्ञापन प्रेषित करके कह रहे हैं कि राज्य सरकार जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे पूरा करे, पंचायत सहायकों को स्थायी करे। और स्थायीकरण की मांग को लेकर के ही आज ये ज्ञापन प्रोग्राम पूरे 33 जिलों से किया जा रहा है और ये इसी आगाज से किया जा रहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती समय रहते तो 9 अगस्त को पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत सहायक जयपुर की धरा पर एकत्रित हो रहे हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और प्रदेश व्यापी आह्वान भी कर दिया गया है इस संदर्भ में। आज किसको ज्ञापन दिया? आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम और मुख्य सचिव के नाम।